हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो कुछ लंच बॉक्स आइडियाज़ है उस वीडियो में, और स्पेशली ये वीडियो में कुछ मेरे जैसे जो मम्मीज़ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और जैसे मुझे बहुत सोचना पड़ता है सारा के लिए क्योंकि वो बहुत पिकी ईटर है, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आपको कुछ लंच बॉक्स आइडियाज़ मिले। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कि US में और इंडिया में लंच बॉक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या डिफरेंसेस है, और हम लोग क्या मिस करते हैं लंच बॉक्स में देने में, क्या हम लोग सही न्यूट्रिशन दे पाते हैं बच्चों को। तो ये सारे चीज़ मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं मंडे टू थर्सडे मैंने सारा को क्या क्या दिया है तो उसी का एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मैं पहले भी बताई हूँ कि सारा के स्कूल में लंच एक्चुअली मिलता है, लेकिन मुझे कुछ टाइम से लग रहा था कि वो क्या खाती है स्कूल में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। तो मैं इसलिए डिसाइड की कि मैं अब से उसको लंच दूँगी, तो इसलिए मैं लंच बॉक्स अब से उसको देती हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ आने के बाद यहाँ के बारे में जो मुझे पता चला कि यहाँ के लंच बॉक्सेस जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े अलग है इंडिया से। यहाँ पे मैंने देखा है कि जो यूजुअली बच्चे लोगों को स्कूल में लंच बॉक्सेस दिया जाता है या घर से दिया जाता है, उसमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लंच बॉक्सेस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, पता नहीं, हम लोग जब इंडिया में, मैं भी बड़ी हुई हूँ, मैं भी स्कूल गई हूँ, तो हम लोग ये सब चीज़ें मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ मुझे थोड़ा अलग लगा, और मैं भी वही कोशिश करती हूँ आजकल सारा को कि सारे चीज़ें उसको एक साथ दूँ ताकि सब कुछ वो थोड़ा थोड़ा खाए तो उसको सब कुछ मिले। तो मैं आप लोगों के साथ भी वही चीज़ शेयर करूँगी। तो ये मंडे का है वीडियो, और मंडे मैंने सारा को वेजिटेबल्स में से मैंने थोड़े से कुकुम्बर दिए थे, और कुकुम्बर जो है उसमें काफ़ी सारे फाइबर होते हैं। और मैंने फ्रूट में उसके फेवरेट स्ट्रॉबेरी दिए थे, और स्ट्रॉबेरी में भी फाइबर भी होते हैं और काफ़ी सारे विटामिंस होते हैं फ्रूट्स वगैरह में, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और उसको मैं प्रोटीन के हिसाब से यहाँ पे दे रही हूँ चिकन सॉसेजेस। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया में हम लोग यूजुअली, मैं देखी हूँ, जैसे मैं भी बचपन में लंच बॉक्सेस ले जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, या रोटी सब्जी दे देते हैं, या कुछ चाउमीन दे देते हैं, या पोहा उपमा इस टाइप के दे देते हैं, या आलू पराठे दे देते हैं। बट उसमें क्या है, सब कुछ सारे जो हम लोगों को चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सब एक साथ नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों को भी इसलिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी दे रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं। जैसे फ्रूट, आप लोग कोई भी फ्रूट दे सकते हैं जो आपके बच्चे को पसंद आए, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही आप दे, आपके जिससे भी एज के बच्चे हैं आप थोड़ा दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, और जो भी आपके बच्चे को पसंद है। प्रोटीन में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर दे सकते हैं, पनीर के कुछ बना के दे सकते हैं, पनीर पराठे दे सकते हैं, स्टफ्ड पराठे, या पनीर का कोई सब्जी बना के रोटी के साथ दे सकते हैं। और आप अमूल के मिल्क तो आते ही है, थोड़ा बहुत वो भी दे सकते हैं, अगर प्रोटीन, उसमें भी प्रोटीन होते हैं। दही दे सकते हैं, पराठा बना रहे हैं तो उसके साथ दही दे सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन होते हैं। या फिर जैसे मैं दे रही हूँ सारा को, तो सारा को मैं कार्ब और प्रोटीन जो बेस फूड होते हैं उसमें से ब्रेड आते हैं, और चीज़ में भी प्रोटीन होते हैं और फैट भी होते हैं। तो मैं मंडे को सारा को एक ब्रेड पिज्ज़ा बना के दी थी, और बच्चे लोगों को ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ईजीली बन जाता है। तो मेरे पास ब्राउन ब्रेड था और मैंने थोड़ा सा उसमें पिज्ज़ा का जो सॉस आता है वो स्प्रेड कर लिया था, और उसमें थोड़े से चीज़, जो मोज़रेला चीज़ है वो डाल के थोड़ा सा अच्छे से सेक लिया था, और उसको अच्छे से कट करके फिर मैंने दे दिया था। और देखिए उसके लंच बॉक्स में प्रोटीन भी आ गया है, और थोड़े बहुत फैट आ गया है, कार्ब आ गया है, और बच्चे लोगों को ना थोड़े बहुत स्नैक्स भी देना चाहिए क्योंकि उनको पसंद आते हैं वो सब। तो स्नैक्स में मैंने एक कुकी या बिस्किट दे दिए हैं, ये सारे इंडियन ब्रांड है, मैं पटेल ब्रदर्स से ही लाती हूँ, और मैंने थोड़े चिप्स दे दिए हैं। तो आप भी ऐसे जो भी कुकीज़ आपके बच्चे को पसंद है, चाहे वो नमकीन हो या मीठा हो, कुछ भी आप दे सकते हैं, या एक नमकीन एक मीठा देना अच्छा होता है, बच्चे लोगों को अच्छा लगता है।
और आप जूसेस भी दे सकते हैं, जूसेस में भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो जैसे इंडिया में ट्रॉपिकाना के जूसेस वगैरह मिलता है, वो भी दे सकते हैं। तो देख सकते हैं ये सारा का मंडे का लंच बॉक्स था, उसमें मैंने एक जूस भी डाल दिया था। यहाँ पे इस तरीके के जूस मिलते हैं, इसमें ऑरेंज और मैंगो फ्लेवर के जूस है, तो आप ट्रॉपिकाना के जूसेस वगैरह दे सकते हैं, या गर्मी का मौसम है तो अमूल की लस्सी भी दे सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदा करता है। और ये है सारा का ट्यूसडे का लंच बॉक्स, तो उसमें मैंने उसको स्ट्रॉबेरी दिया था। एक्चुअली फ्रूट में से यहाँ पे जो चीज़ें मिलते हैं उसमें से बहुत कम ही चीज़ सारा को अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी खास करके। और वो घर में रहती है तो फ्रूट्स खाती है, लेकिन स्कूल में वो स्ट्रॉबेरी पसंद करती है, इसलिए मैं डेली उसको स्ट्रॉबेरी देती हूँ। और उस दिन मैं वेजिटेबल में कैरेट दी थी, तो आप लोग भी ये सब आराम से मिल जाता है, खीरा गाजर दे सकते हैं बच्चे लोगों को। और उस दिन मैं कार्ब में उसके लिए पैनकेक बनाई थी, मेरे पास कुछ पैनकेक मिक्स थे तो मैं उससे पैनकेक बना दी थी। तो जैसे कार्ब में आप लोग के पास, अगर इंडिया में मैं बता रही हूँ, जैसे ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम से मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल से खाने देने चाहते हैं, सारा एक्चुअली पसंद नहीं करती है ज़्यादा रोटी वगैरह, तो अगर आपके बच्चे रोटी पसंद करते हैं तो आप रोटी सब्जी दे सकते हैं, या फिर पराठे दे सकते हैं, स्टफ्ड पराठे, या राइस के कुछ आइटम दे सकते हैं, उसमें भी कार्ब होते हैं। जैसे साउथ में काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे राइस के आइटम बनते हैं, लेमन राइस एंड टेमरिन राइस, वो सब। या फिर ब्रेड के आप आइटम दे सकते हैं, ब्रेड बटर जैम या पीनट बटर लगा के ब्रेड दे सकते हैं, ब्रेड पिज्ज़ा बना सकते हैं या ब्रेड स्टिक्स बना सकते हैं। और मैदे के भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग देते ही है बच्चे लोगों को, जैसे चाउमीन वगैरह, तो वो भी कार्ब हो गया। या आलू के भी आप सब्जी बना के दे सकते हैं, तो ये सब हो गए कार्ब के ऑप्शन। तो मैं ट्यूसडे को सारा को पैनकेक दी थी, और यहाँ पे पैनकेक के साथ थोड़े बहुत जो सिरप वगैरह आते हैं तो वो सब, वो थोड़ा मैं डाल दी थी। तो यहाँ पे वो मीठा सिरप कोई भी आप दे सकते हैं, इवन इंडिया में भी ये सारे चीज़ें मिलते हैं। तो आपके बच्चे जिस तरीके के खाने पसंद करते हैं आप वैसे दे सकते हैं। तो कभी कभी मैं थोड़े ज़्यादा भी बना लेती हूँ, और क्या करती हूँ उसी में से सारा को ब्रेकफास्ट भी खिला देती हूँ सुबह का, और वो लंच में दे देती हूँ, तो दोनों काम एक ही साथ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं थोड़ा सिरप डाल दी थी, काफ़ी ये टेस्टी रहता है, और इसमें भी थोड़ा सा मीठा वगैरह रहता है, तो बच्चे लोगों को थोड़े बहुत मीठे की भी ज़रूरत होती है क्योंकि एनर्जी चाहिए होता है। तो ये रेडी हो गया सारा का ट्यूसडे का लंच बॉक्स, जिसमें मैंने कार्ब में उसके लिए पैनकेक दिए हैं, और फाइबर में मैंने उसको कैरेट, और फ्रूट्स में मैंने उसको स्ट्रॉबेरी दिए हैं, और प्रोटीन में मैंने उसको थोड़े सॉसेजेस दिए हैं, उसके साथ स्नैक्स के लिए मैंने उसको जिम जैम बिस्किट दिए हैं, और मैंने थोड़ा उसको गोल्ड फिश दिया है जो यहाँ पर बहुत फेमस है, तो नमकीन में मैंने उसको गोल्ड फिश दिया था। तो आप भी जो भी पसंद है आपके बच्चे को वो दे सकते हैं। और वेडनेसडे के लिए मैंने सारा के लिए सोचा था कि उसको ब्रेड से ही कुछ बना के दूंगी, तो यहाँ पे कुकी बटर करके एक नया आया है, काफ़ी अच्छा मार्केट में अभी चल रहा है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि वो ट्राई करती हूँ। इवन इंडिया में पीनट बटर वगैरह बहुत चलता है, और नहीं तो आप सिंपल बटर और जैम लगा के भी दे सकते हैं, ब्रेड बटर जैम बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे लोग को अच्छा लगता है। तो उस दिन मैं कार्ब में सारा को ब्राउन ब्रेड दी थी, और मैंने देखा है बच्चों को ना ये ब्रेड के साइड्स उतने पसंद नहीं होते, इवन मैं भी बचपन में फेंक ही देती थी। तो कोशिश कीजिएगा आप ये सब साइड थोड़ा काट के देने के लिए, ताकि वो लोग स्कूल में फिर वो सब नाटक ना करे, खाना वापस ना ले आए। और बच्चे ना थोड़े छोटे छोटे पीसेस भी पसंद करते हैं, तो मैं भी सारा को ऐसे या तो स्क्वायर शेप, या कभी राउंड शेप, कभी ट्राइंगल शेप ऐसे बना के देती हूँ, तो उसमें बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं। और उस दिन मैं फाइबर में सारा को थोड़े से कुकुम्बर, अगेन कुकुम्बर दी थी, और ये जैसे सिलिकॉन के मोल्ड्स आते हैं ना कपकेक के, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आप उसमें दे सकते हैं काफ़ी सारे कुछ, अगर आपको एक्स्ट्रा देना है सेम टिफिन बॉक्स में। और उस दिन चिप्स में मैंने उसको डोरिटोज जो चिप्स आते हैं, जो इंडिया में भी बहुत फेमस है, वही दिया था स्नैक्स के हिसाब से। और प्रोटीन में मैंने उसको अगेन जो सॉसेजेस है उसके फेवरेट है वही मैंने दिया था। और कुकीज़ में मैंने उसको थोड़े बहुत ओरियो टाइप के जो कुकीज़ आते हैं वो दिया था, और फैट में उसमें जो बटर थे उससे उसको फैट मिल जाएगा, और एक जूस मैंने दिया था।
और ये है उसके थर्सडे के लंच बॉक्स। तो मैं यूजुअली उसके लिए या तो पैनकेक या वफ़ल या फिर ब्रेड ही देती हूँ कार्ब में, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती है जैसा कि मैंने बोला। और आप लोग कार्ब में मैं पहले भी ऑप्शन दे चुकी हूँ, पराठे, ब्रेड, रोटी, राइस, मैदा, आलू, ये कोई भी कार्ब यूज़ कर सकते हैं। और मैं थर्सडे को सारा को एक्चुअली जो गार्लिक ब्रेड होता है वही मैं ब्राउन ब्रेड से बना के दी थी, थोड़े बहुत बटर के साथ और थोड़े बहुत गार्लिक और थोड़े चीज़ के साथ। तो जैसे मैं बता रही थी कि प्रोटीन और फैट में इंडिया में जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इवन मैं भी दे सकती हूँ लेकिन सारा उतना पसंद नहीं करती है। तो फैट में आप लोग रोटी दे रहे हैं तो थोड़े घी लगा के दे सकते हैं, पराठे दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा बटर डाल के दे सकते हैं तो उसको फैट मिल जाएगा बच्चे लोगों को, और चीज़ का कोई आइटम दे रहे हैं तो चीज़ से तो फैट मिल ही जा रहा है। और प्रोटीन में आप लोग एक्चुअली एग्स दे सकते हैं, क्योंकि डेली सॉसेजेस देना अगर पॉसिबल नहीं है तो एग्स दे सकते हैं। वेजिटेरियन है तो पनीर के क्यूब्स दे सकते हैं थोड़े हल्के से फ्राई करके, वो भी बच्चे लोगों को अच्छे लगते हैं। और एग्स में प्रोटीन और फैट दोनों मिल जाते हैं। और फ्रूट्स तो मैंने ऑप्शन दिया ही है कि फ्रूट्स और वेजीज जो भी आपके बच्चे के फेवरेट है वो आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे काट के दे सकते हैं। थोड़े मेहनत लगते हैं लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके बच्चे काफ़ी सारा टिफ़िन बॉक्स खाली करके ला रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। और प्रोटीन में से मैं कुछ और बताना चाहती हूँ ऑप्शन, जैसे कि बेसन हो गया, दाल हो गया, ये भी पोहा हो गया, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं इसमें। तो आप बेसन से भी कुछ बना के दे सकते हैं, चीला बना के दे सकते हैं, ढोकला बना के दे सकते हैं तो उसमें उसको प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर दाल तड़का और रोटी दे रहे हैं तो दाल में बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, तो इस तरीके से भी आप कॉम्बिनेशन करके प्रोटीन, फैट, कार्ब, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स सब दे सकते हैं बच्चे को। एंड उसके साथ साथ उसको थोड़ा स्नैक्स भी दे दीजिए जो उसको बहुत पसंद आएंगे। तो बस इधर सारा का जो गार्लिक ब्रेड स्टिक है चीज़ वाले वो भी रेडी हो गए, और उसको भी मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट के दी थी क्योंकि वो बड़े पीसेस होते हैं ना तो वो नहीं खाती है, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे ही होते हैं तो उनके छोटे छोटे पीसेस ही उसको अच्छे लगते हैं। तो बस थर्सडे को सारा के लंच बॉक्स में मैंने थोड़े गार्लिक ब्रेड स्टिक दे दिए थे विथ चीज़, जिसमें उसको कार्ब फैट दोनों ही मिल जाएंगे। और उसके साथ मैंने उसको फ्रूट में से स्ट्रॉबेरी दिए थे जो उसके फेवरेट थे, और उसके साथ थोड़े बहुत उसको कुकुम्बर दिए थे, और मैंने उसके साथ प्रोटीन में उसको अगेन सॉसेजेस दिए थे। तो आप लोग कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। और वेजीज में मैंने उसको कुकुम्बर दे दिए थे, तो वेजीज में जो भी आपके बच्चे के पसंद वाले वेजिटेबल है वो आप दे सकते हैं ताकि उसको थोड़ा फाइबर मिल जाए। और उसके साथ मैंने स्नैक्स में उसको लिटिल हार्ट बिस्किट और थोड़े चिप्स दे दिए थे, तो ये सब देने से बच्चे बहुत खुश भी हो जाते हैं और टिफ़िन बॉक्स भी ज़्यादातर खाली हो जाता है। तो बस यही थे मेरे लंच बॉक्स आइडियाज़। तो बस वीडियो को भी मैं आज इसी के साथ यहीं पे एंड करूँगी। तो होप आप लोगों को जो ये लंच बॉक्स आइडियाज़ है वो पसंद आए होंगे, और जो भी मैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में बताई हूँ अगर वो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।